जय स्वामीनारायण। आदि किसी भी प्रकार की रश्मि और किसी भी प्रकार के एवं खाद्य पदार्थ से प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुरक्षा जांच अनिवार्य है। कृपया सुरक्षा कर्मियों को सहयोग दें। सभी दर्शनार्थियों से अनुरोध है कि अपने स्वास्थ्य परिवार की सुरक्षा अपने तो फ्रेंड आप सुन रहे थे एक छठ धाम के जो गाइडलाइंस हैं वो। वैसे तो अंदर जाने का कैमरा अलाउड है ही नहीं, यहाँ भी मैंने ज़बरदस्ती ही जो है सो फोटो शूट कर रहा हूँ, यहाँ भी अलाउड नहीं थे लेकिन मैंने छिपा छिपा के ये वीडियो शूट किया है। तो मैं आपको अंदर का तो दृश्य नहीं दिखा सकता हूँ, मैं आपको पर बता दूँ कि आप जब अक्षरधाम स्टेशन से उतरेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पो वाले परेशान करेंगे कि चलिए सर मैं आपको पहुँचा दूंगा, कोई 50 की डिमांड करेंगे, कोई रिजर्व बुक करने की बात करेंगे, कोई मीटर से चलने की बात करेंगे। लेकिन यदि आप हल्के फुल्के सामानों के साथ हैं तो आप मुश्किल से 2 मिनट का अगर सफ़र पैदल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप आराम से अक्षरधाम के कैंपस में पहुँच जाएंगे और आप फिजूल खर्ची से बच जाएंगे। यदि आप दिल्ली आए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अक्षरधाम अवश्य एक बार आएँ, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, आपको सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराई जाती है और आपकी सुरक्षा दृष्टिकोण से भी पूरा ये सेफ जगह है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब ये मंदिर हैं तो मंदिर के प्रांगण में इतनी सुरक्षा दृष्टि रखने की क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं, ये एक सोचनीय विषय, आप भी सोच के बता सकते हैं। यदि आप अक्षरधाम गए होंगे तो इतनी सुरक्षा देख के आप आश्चर्यचंबित रहे होंगे कि आखिर क्या वजह है कि इतनी सुरक्षा की ज़रूरत पड़ रही है, वो भी दिल्ली जैसे शहर में, देश की राजधानी के शहर में। और आपको लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 3-4 जगह चेकिंग के बाद जो है सो मंदिर कैंपस में जो है सो प्रवेश करेंगे और बहुत ही हार्ड चेक है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल जो है सो आप जैसे 10th के एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उतना नॉर्मल लग रहा होगा, उससे कई गुना ये हार्ड है। तो आप मेरे साथ बने रहें।